यो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया परम मंत्र का जाप किया। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता जो स्वयं यही जो कारण कार्य परे सबके जो निज भू आज शरण्य वही अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतरहित कभी देखता उभय प्रकार जो प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे लोक लोक पालो का इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार उसके पार चमकते जो विभुवे में मुझको आज देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नट तुल्य रचा है दुर्गम जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़ जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा सेवन में पालन करते अलोक व्रत का अखंड वे ही है मेरे अवलंबन जिसका होता है जन्म नहीं केवल होता भ्रम से प्रतीत जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय उस परमेश्वर उस परम ब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीप को नमस्कार जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार बन सतो गुणी सुनी वृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वजन जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार उन सोम ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार मूल है मूल प्रकृति है पुरुष नमस्ते बार बार इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा इंद्रियानुभव का जो कारण जो व्यक्त असत की छाया में है सदा भास है तुझे नमन सबके कारण निष्कार
आभार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक गाधन ले, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसने पाते सज्जन आश्रय। चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल, मैं नमस्कार करता उनको जो संप्रकाशित है उनमें। आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में, जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन। उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्येक चेतन, बन्नंतरयामी हे भगवन हे अपरिछिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिस कार दे बीच जना ना सक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर, वांछित फल को पा लेते हैं जो देते तथा आयाचित वर, भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मग्न रहे गागा कर उनको निसिवासन। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। प्रपंच उस भांति सकल, मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का, जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त्य वह दीव नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाहना जीवित रहने की जो तम सावित बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूंगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ नकाल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। विश्व सजग अज विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध दे, मैं जिसे देखते योगी जन योगेश्वर पति में नत सविनय। नमो नारायण ओम नमो।
अतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे के जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा मैं प्रभु के शरणागत विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट वे देख उसे इस भांति दुखी उसका यह आतस्तव सुनकर मनसी गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर पहुँचे था जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में गजराज देख कर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में हर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में हे विश्ववंद प्रभु नमस्कार यह बोल पीड़ित स्वर में पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्र धार से चीर दिया देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया।